केकेआर ने अपने घर में मुंबई की पलटन को दी पटखनी, क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। टीम ने मौजूदा आईपीएल में मुंबई को लगातार दूसरी बार हराया। इसी जीत के साथ केकेआर ने प्लेऑफ के लिए टिकट भी कटा लिया। वे ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई। ईशान किशन की शानदार पारी के बावजूद मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया। टीम ने मौजूदा सीजन में मुंबई को लगातार दूसरी बार शिकस्त दी। टीम की ये 12 मैचों में 9वीं जीत है, जबकि मुंबई की 9वीं हार है। केकेआर इसी जीत के साथ आईपीएल के मौजूदा सीजन के नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर ली। ऐसा करने वाली यह पहली टीम बन गई। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में मुंबई ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम ने 16 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। अय्यर ने खेली सबसे बड़ी पारी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को बारिश से प्रभावित मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 विकेट पर 157 रन बनाई। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 50 रन के अंदर टीम के 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। वेंकटेश अय्यर 42 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। नीतीश राणा ने 33 रन, आंद्रे रसेल ने 24 और रिंकू सिंह ने 20 रन बनाए। सुनील नरेन खाता तक नहीं खोल पाए, जबकि कप्तान श्रेयर अय्यर महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पीयूष चावला ने 2-2 विकेट लिए। सिर्फ ईशान का चला बल्ला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जीत हासिल करने में असफल रही। मुंबई निर्धारित ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन बना सकी। ईशान किशन ने सबसे बड़ी पारी खेली। उन्होंने 181.81 की स्ट्राइक रेट से 22 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 40 रन बनाए। हालांकि वे अर्धशतक से चूक गए। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रोहित शर्मा ने 19 रन, सूर्य कुमार ने 11 रन, हार्दिक पांड्या 2 रन बनाकर आउट हो गए। केकेआर के वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसेल ने 2-2 विकेट चटकाए।